नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल एस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर सीरीज फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, जो रिसेंटली न्यूज में था। क्या है ये और क्यों ये रिसेंटली न्यूज में था, कहाँ है ये, इसके फीचर्स क्या है, एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग इन दिस सेशन। पूर्वांचल आईएएस इज अ वेंचर फॉर सस्टेनेबल एजुकेशन बाय डॉक्टर रवि अग्रहारी सर एंड हिज टीम। एंड इस लेक्चर के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। अन्य ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। यू कैन कॉल अस ऑन दीज नंबर्स फॉर एनी अदर क्वेरी। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। एंड द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन दिस सेशन इज द पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 1,00,000 माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स जो है अराइव किए हैं इन द पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश इन विंटर 2020-21, राइट। सो 1975 में पोंग डैम को कंस्ट्रक्ट किया गया था अक्रॉस द बीएस रिवर। तो रिसेंटली ये न्यूज में था बिकॉज 1,00,000 माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स अराइव किए हैं नियर पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। 1975 में पोंग डैम बिल्ड किया गया था अक्रॉस बीस रिवर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोंग रिजर्वॉयर और द महाराणा प्रताप सागर, राइट। 1983 में एंटायर रिजर्वॉयर को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया गया था। एंड इन 1994 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया। लेटर ऑन इन 2002 ये एक रामसर साइट बन गया। तो पोंग डैम लेक जो है ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है बिकॉज ये एक एरिया है जहाँ पर 1,00,000 से ज़्यादा जो वाटर माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो जमा हुए थे 2020-21 में, और ये हिमाचल प्रदेश में है। बीएस रिवर के क्रॉस इसे बनाया गया था, रिजर्वॉयर बना। इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया है बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इन 1993-1994 में। वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इसे डिक्लेयर किया 2002 में। इसे एक रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया था, ओके। सो जब एक एरिया रामसर साइट का दर्जा ले लेती है तो ये एक वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस कहलाती है। और ये जो रामसर लिस्ट है, रामसर साइट्स की लिस्ट है, इसमें अराउंड 42 ऑफ इंडियन साइट्स इसके पार्ट हैं। एंड इस लिस्ट का यूज करके और भी छोटी एक लिस्ट इसे जिसे कि मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड कहा जाता है, इससे बनाया जाता है। इस मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में जो जाते हैं उनमें और भी एक्स्ट्रा जो है कंजर्वेशन एफर्ट्स लगने हैं, इस वजह से ये लिस्ट जो है इसमें से यहाँ जाते हैं, राइट। सो इफ यू टॉक मोर अबाउट द सेंचुरी, वी कैन से द सेंचुरी is host to around 220 species of birds belonging to 54 families. So as we know, India जो है ये flyway में आता है, Central Asian flyway जिसे हम कहते हैं, जो birds during the winter from Russia and other areas से, जो Siberian area से जहाँ पर बहुत ज़्यादा extreme ठंड पड़ती है, वहाँ से migrate करते हैं along these flyways. इस flyway में India serves as one of the winter destinations for these migratory birds. Various areas, various wetlands of India इस काम को जो है करते हैं। यहाँ पर कई सारे migratory birds जमा होते हैं। One of those areas is this Pong Dam Lake Wildlife Sanctuary. So 220 species of birds belonging to 54 families of migratory birds ऑल ओवर हिंदू कुश हिमालय वहाँ से, एंड ऑल्सो एज फार एज साइबेरिया से भी विंटर के समय में ये सब इस इलाके में आते हैं। एंड दिस लेक इज फेड बाय बीएस रिवर एंड इट्स न्यूमरस पेरेनियल ट्रिब्यूटरी सच एज गज, न्योगल, बिनवा, ऊल, बंगाना एंड बनेर, ओके। सो ये लेक जो है बीएस रिवर के द्वारा फीड की जाती है। बीएस रिवर में से यहाँ पर पानी आता है। ऑल्सो बीएस रिवर के बहुत सारे जो ट्रिब्यूटरीज हैं, गज, न्योगल, बिनवा, ऊल,
बंगाना और बनेर में से भी इसमें पानी आता है. सो लेक हार्बर्स अराउंड 22 स्पीशीज ऑफ फिश इंक्लूडिंग रेयर फिश लाइक साल गाट. तो ये फिश इस लेक में है एंड ऑल्सो एडिक्वेट वाटर लेवल ऑफ लेक मेक्स इट एन आइडियल डेस्टिनेशन टू इंडल्ज इन वाटर स्पोर्ट्स. तो यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स भी किए जाते हैं. अदर सेंचुरीज हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यहाँ पर है बंजार सब डिविजन ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में एंड ये नेशनल पार्क इन 1999 डिक्लेयर किया गया था. 2014 में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क रिसीव किया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का किताब. एंड ये जो है बहुत सारे स्पीशीज यहाँ पर जैसे कि ग्रेटर ब्लू शीप, इंडियन पीका, रेसस मंकी, हिमालयन ब्लैक बेयर, हिमालयन ब्राउन बेयर, रेड फॉक्स और मंगूस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे. सो दैट वॉज अबाउट पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इन द प्रीवियस सेशन हमने क्वेश्चन देखा था विच ऑफ दीज इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिशन इनोवेशन 2.0. मिशन इनोवेशन वॉज अनाउंस ऑन 30th November 2015 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के साइडलाइंस पे. सो दैट इज राइट. 24 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन इसका पार्ट है एंड दैट इज ऑल्सो राइट. सो C1 and 2 इज द करेक्ट आंसर. इस सेशन के लिए आपका एक क्वेश्चन है which among these is correct with respect to Pong Dam Wildlife Sanctuary. Sanctuary plays host to around 220 species of birds belonging to 54 families. The lake is fed by river Ravi, right? So, जो भी आपको सही लगता है ABC ID please mention करिए in the comment section. हम लेकर आ गए हैं ये current affairs course जो कि prelims का mains का complete current affairs cover करता है. Practice questions भी इसके part हैं. You can avail this exclusively on the Purvanchal IAS app. Also we have the complete NCERT course जो कि हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी साइंस एंड सोशल इश्यूज की सारी एनसीईआरटी काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें एक्सप्लेन की गई है. ऑल्सो ऑनलाइन क्लासेस ऑफ UPSC ऑल्सो UPPSC MPPSC एंड CGPSC के फुल GS कोर्सेस प्रीलिम्स का मेंस के हम कम्प्लीटली प्रोवाइड करते हैं. ऑल्सो वी हैव द सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज ऑफ प्रीलिम्स का मेंस. यू कैन अवेल देम ऑन द पूर्वांचल IAS ऐप. थैंक यू ऑल द बेस्ट एंड फॉर एनी अदर क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दीज numbers.